खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने छठी बार लाल किले से देश को संबोधित किया। 92 मिनट के भाषण में 75 दिन का हिसाब दिया, अगले 5 साल का हिसाब समझाया। 370 हटाने पर मोदी ने कहा, समस्याएं पालते नहीं, समस्याएं टालते नहीं। कांग्रेस से पूछा, 370 इतना जरूरी था तो 70 साल में परमानेंट क्यों नहीं किया। आजादी की 73वीं सालगिरह पर लाल किले से बोले पीएम मोदी, कहा आतंकवाद को पनाह देने वालों को बेनकाब करेंगे। लाल किले की प्राचीर से तीन तलाक पर बोले पीएम मोदी, कहा तीन तलाक की लटकती तलवार से डरी थी मुस्लिम बेटियां, हमने खत्म किया। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में मना आजादी का जश्न, उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने तिरंगा फहराया। लाल किले से सेना पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का ऐलान किया। लाल किले पर आजादी के जश्न में सोनिया राहुल समेत नहीं दिखा गांधी परिवार का कोई सदस्य, कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, बच्चों को बांटी मिठाइयां। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में फहराया तिरंगा, कहा समाज के संकल्प से हटा अनुच्छेद 370। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में फहराया तिरंगा, कहा अगले आम चुनाव से पहले बन जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। जम्मू कश्मीर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फहराया झंडा। आजादी के जश्न के बाद पीएम मोदी ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, बच्चियों और महिलाओं ने पीएम मोदी को बांधी राखियां। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बांधी राखी। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ को राखी बांधी। रक्षाबंधन के दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल के साथ बचपन की तस्वीर शेयर की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आजादी के जश्न के रंग में पड़ा भंग, भारत माता की मूर्ति के साथ ही पूजा के पंडाल में तोड़फोड़, एबीवीपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। आजादी की सालगिरह के दिन हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सीएम जयराम ठाकुर ने 4% महंगाई भत्ते का ऐलान किया। देश में बढ़ती जनसंख्या पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का आपत्तिजनक बयान, बढ़ती जनसंख्या के लिए मुस्लिमों को बताया जिम्मेदार। पाकिस्तान की तरफदारी में चीन की चालबाजी, कश्मीर पर यूएन सुरक्षा परिषद में चर्चा की मांग की। कश्मीर पर पाक पीएम इमरान खान की बौखलाहट, ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल फोटो ब्लैक की।